आपको सीधे लिए चलेंगे गुवाहाटी, जहां एक चुनावी रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और ये मेरा सद्भाग्य रहा कि नवरात्रि के प्रथम दिवस पर ही मुझे मां कामाख्या देवी के चरणों में जाकर के नमन करने का सौभाग्य मिला। हमारे देश में नवरात्रि हिंदुस्तान के सभी हिस्सों में मनाई जाती है। यह शक्ति साधना का पर्व माना जाता है, देवी उपासना का पर्व माना जाता है। लेकिन असम के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पुराणों में क्या लिखा गया है वो शायद आप भी भूल गए होंगे। हजारों वर्ष पहले जो पुराण लिखे गए उसमें देवी के संबंध में एक मजेदार बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, अन्यत्र विरला देवी, काम रूपे गृहे गृहे। आपको भी समझ नहीं आया होगा, ये वाक्य इतना महत्वपूर्ण है जो हमारे पुराणों में लिखा गया है। पुराण कहते हैं कि अन्यत्रे बिरला देवी, यानी देवियों के दर्शन करना हिंदुस्तान के किसी भूभाग में जाए तो बहुत मुश्किल से देवियों के दर्शन होते हैं, लेकिन कामरूप यानी हमारा असम, ये ऐसा क्षेत्र है कि जहां घर घर में देवी होती है। कामरूपे गृह गृह, ये गौरव, ये गौरवगान असम की माताओं बहनों का पुराणों में किया गया है। और आज नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मैं आया हूं तो असम के हर घर में जो देवियां विराजमान हैं उनको मैं नमन करता हूं, सर झुका करके प्रणाम करता हूं और ऐसी माताओं के आशीर्वाद की कामना करता। पूरे असम की आई हकल, मातृ हकल, बाई हकल, भौनी हकल, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों बहनों, ये चुनाव कौन एमएलए बने कौन एमएलए न बने, कौन जीते कौन हारे, इसके लिए ये चुनाव नहीं है। इस चुनाव कौन सी पार्टी सत्ता में आए या कौन सी पार्टी न आए, कौन पार्टी जीते या कौन पार्टी हारे, इसके लिए ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव तो असम का भविष्य क्या होगा उसका फैसला करने के लिए चुनाव है। मेरे भाई, इस चुनाव में आप जब बटन दबाओगे तब आपकी उंगली आपका भविष्य तय करने वाली है। पुराने जमाने में ज्योतिषी हस्तरेखा देखते थे, लेकिन आज असम की हस्तरेखा आपकी उंगलियों में है। आप असम का भविष्य तय करने वाले हैं, आप असम का भविष्य लिखने वाले हैं।
आपको निर्णय करना है कि असम के युवकों का क्या होगा, आपको निर्णय करना है असम की माताओं बहनों की सुरक्षा का क्या होगा, आपको निर्णय करना है कि हमारा असम प्रगति के किन ऊंचाइयों को प्राप्त करे। भाइयों बहनों, देश जब आजाद हुआ तब हिंदुस्तान के जो पहले 5 राज्य थे, जो अच्छे माने जाते थे, सुखी माने जाते थे, संतुष्ट माने जाते थे, समृद्ध माने जाते थे, संपन्न माने जाते थे, उन पहले 5 राज्यों में एक नाम था हमारा आसाम। 5 राज्यों में एक राज्य था आसाम। और आजादी के इतने सालों के बाद कांग्रेस के कुकर्मों के कारण, भ्रष्टाचार, बेईमानी, कुशासन, भाई भतीजावाद, इन सारे पापों के कारण आज असम जो कभी हिंदुस्तान के पहले 5 में था, वो आज हिंदुस्तान के आखिरी 5 में आकर के पड़ा है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, असम को इस स्थिति से बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना है कि नहीं निकालना है? मुझे बताइए, निकालना है कि नहीं निकालना है? असम को ऐसे गहरे गड्ढे में डाला है, ऐसे गहरे गड्ढे में डाला है, और अगर मान लो कोई रेल की इंजन हो, एक तरफ बड़ा मजबूत इंजन लगा हो, दूसरी तरफ भी बड़ा मजबूत इंजन लगा हो, एक इंजन उस तरफ खींचता हो, एक इंजन इस तरफ खींचता हो, तो रेल चलेगी क्या, कहीं पहुंचेगी क्या? भाइयों बहनों, दिल्ली का एक इंजन अकेला आसाम को इतने बड़े खड्डे से बाहर निकाल सकता है क्या? मुझे एक और इंजन की जरूरत है, जो आसाम का इंजन। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण गुवाहाटी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।